दोस्तों एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, अब टाइम आ गया पूरी दुनिया से छिपके पढ़ने का, अब टाइम आ गया है अपने सारे दोस्तों से छिपके पढ़ने का, अब टाइम आ गया है काली रातों में घर वालों से छिपके पढ़ने का। मेरे भाई सपोज करो तुम्हारा जिगरी दोस्त तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल और तुम्हारे क्लास में ही पढ़ता है और इस साल होने वाले एग्जाम्स में वो क्लास टॉपर के साथ साथ पूरा स्कूल टॉपर बन जाए और तुम सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट ही बन के रह जाओ, तो कैसा फील होगा तुम्हें? क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा टॉपर बनने का? क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा अपने स्कूल का स्टार बनने का? कब खून खौलेगा तेरा यार? तुम्हारे बूढ़े माँ बाप सिर्फ तुम्हारे भरोसे बैठे हैं यार, तुम्हें टॉपर बनते देखना चाहते हैं, वो तुम्हें सक्सेसफुल बनता देखना चाहते हैं, तुम्हें IAS पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं वो, लेकिन असल में तुम कर क्या रहे हो मेरे भाई? दोस्तों को रील शेयर करने में लगे और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के सिर्फ और सिर्फ पास होने के भरोसे बैठे हो, अपने आप को दो थप्पड़ मारो और पूछो अपने आप से, सिर्फ पास होने से तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा क्या? यार मेरे भाई सपोज करो 50 साल के बूढ़े तुम खुद एक बाप हो और तुम्हारे बेटे के अलावा कोई और दूसरा सहारा नहीं है तुम्हारा, और तुम्हारा लड़का अपना 24 घंटा सिर्फ रील्स देखने में और लड़कियों के पीछे बर्बाद कर दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा तुम्हें जब तुम्हारा लड़का सिर्फ पास होने के लिए पढ़े और उसके साथ ही उसके सारे दोस्त टॉपर बन जाए, अच्छे अच्छे जॉब्स पाले, अच्छे अच्छे पोजीशन पे चले जाए और तुम्हारा लड़का सिर्फ और सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए के लिए दर दर भटकते रह जाए, तो कैसा लगेगा तुम्हें? बताओ ना कब खून खोलेगा तुम्हारा? सबको दिखा के सबको बता के पढ़ने का टाइम खत्म, अब छुप के पढ़ने का टाइम आ गया है मेरे भाई। सबको बोलो कि यार मैं तो पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया हूँ अभी, मैंने तो अभी एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा, लेकिन तुम्हें अंदर ही अंदर जी जान लगा के मेहनत करना है, इस कड़कती ठंड में भी पसीना निकलने वाला पढ़ाई करना है तुम्हें, क्योंकि ये जो तुम्हारे दिमाग में सालों से बैठा है ना कि आज से नहीं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, सुबह से पढ़ूंगा, दोपहर को पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, रात को पढ़ूंगा, अभी तो बहुत टाइम एग्जाम में, बाद में पढ़ लूंगा, मेरे दोस्त ऐसा करते करते ना जाने कितने कल, ना जाने कितने परसों, ना जाने कितने सुबह, ना जाने कितने शाम, ना जाने कितने रातें निकल गई और एग्जाम सर पे आ गई। कभी सोचा है तुमने ऐसा बोलते बोलते तुमने कितना अपना टाइम बर्बाद कर दिया है? मेरे भाई कब खून खौलेगा तेरा? यार मुझे पता है पढ़ना आसान काम नहीं है, लेकिन आसान काम करने वालों के हक में बस बंजर जमीन है, आसमान नहीं। इसलिए जब तुम एग्जाम में टॉप करने का सपना देखते हो तो उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्यागकर पढ़ रहा होता है, क्योंकि मेहनत लगती है टॉपर बनने में और मेहनत का रास्ता आसान नहीं होता मेरे भाई, इसलिए इस रास्ते पर भीड़ भी नहीं होती है। जब आपके अंदर आगे बढ़ने की भूख होगी तभी तो पढ़ने की भूख होगी, इसलिए अब तक जो होना था वो हो चुका, जो वक्त गुजरना था वो गुजर चुका, जो गुजर गया उस पर बात मत करो और जो वक्त बचा है उसे बर्बाद मत करो, अपने सारे वक्त को पढ़ने में लगा दो, क्योंकि सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। अगर तुम आज नहीं पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना कोई कहीं पर लगातार पढ़ रहा होगा टॉपर बनने के लिए, और उसकी हर दिन की पढ़ाई तुम्हें टॉपर बनने से रोक सकती है, इसलिए रोज पढ़ो, बार बार पढ़ो, बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उस किताब में एक चैप्टर तुम्हारे लिए लिखा हुआ हो। अगर आज आप पढ़ने में आलस कर रहे हो तो समझ लेना आप अपने और अपने माता पिता के आपके प्रति बलिदान का मजाक उड़ा रहे हो। दोस्तों जान लगा दो पढ़ने में बिना अंजाम की फिक्र करे, क्योंकि भलाई के कार्य तभी सफल होते हैं जब वो किए जाए बिना इनाम के फिक्र के। अगर आपको लगता है कि आपने सब पढ़ लिया है तो यकीन मानो दोस्त आप 100% गलत हो। अपने आलस को मत सुनिए, वो आपको रुकने को कहेंगे, अपने मार्क्स को सुनो जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने को कहेंगे, इसलिए उठ जाओ, ये वक्त आपके सोने का नहीं बल्कि पढ़ने का है। अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हो तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि उससे ज्यादा मेहनत करनी है जो हमेशा से आपकी क्लास में टॉप करता आया है। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी मेरे दोस्त। पढ़ो, क्योंकि जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, और जितना तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा उतना इस दुनिया में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, और सम्मान तब बढ़ेगा जब तुम पूरी दुनिया से अलग हटके अपना 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ खुद को देके पढ़ोगे तब। आज और अभी खुद से प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए आने वाले इस एग्जाम में टॉप तुम ही करोगे, उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े तुम करोगे, चाहे जितना भी पढ़ना पड़े तुम पढ़ोगे और टॉपर बनके सबको चौंका दोगे। अभी जस्ट वीडियो को बंद करो और उठाओ किताब और रच दो इतिहास, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरे भाई। सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय, ऑल द बेस्ट।